दिल्ली जो है ना दिल वालों की है, जहाँ दिल आया वही जगह बना लेते हैं। What's up guys? Hope you're having a great time. Guys, आज हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 29 और यार धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है और मेरे पीछे है ब्रह्मपुत्र मार्केट और यहाँ के जायके हम आज ट्राई करेंगे। तो लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है और जायका क्या क्या है, ठीक है? तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना यार गाइस। तो आज हम आए हैं ब्रह्मपुत्र मार्केट नोएडा में और भाई साहब इतनी अच्छी मार्केट, हेवन फॉर द फूडीज। और टाइमिंग थोड़ी सी हमारी गलत हो गई क्योंकि हम लोग आ गए यहाँ दोपहर में, धूप तो थी ही, गर्मी भी थी, लेकिन फूड स्टॉल्स अभी तक रेडी नहीं थे क्योंकि यहाँ पे मार्केट लगती है शाम को। एंड बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप लोग बहुत जल्दी आ गए, पापड़ी चाट, टिक्की, गोलगप्पे, डोसा और बहुत सारा नॉनवेज यहाँ पे शाम को मिल जाता है, टोटली ओपन हो जाती है मार्केट। लेकिन हम लोग जब यहाँ आए तो हम लोग को चार ही काउंटर ओपन मिले, या मोमोज मिल रहे थे और या फिर शॉर्मा मिल रहा था। और ये भी मैं हमने वहाँ पे जाना कि यहाँ पे एक अफगानी शॉर्मा मिलता है जो बहुत फेमस है, अनफॉर्चुनेटली हमें उस टाइम पे नहीं मिल पाया बिकॉज वो अभी शॉप खोली नहीं थी। लेकिन ये वाले शॉर्मा जो नॉर्मल शॉर्मा होता है वो हमने ट्राई किया और काफ़ी अच्छा था। बट द हाईलाइट ऑफ द डे वॉज द तंदूरी मोमोज, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, बेहद मज़ेदार थे। तो ये है इधर वेज तंदूरी मोमोज और यहाँ पे है चिकन तंदूरी मोमोज, ये है चिकन स्टीम्ड मोमोज और ये भाई साहब के हैं वेज स्टीम्ड मोमोज। और वेज कौन खा रहा है? विपिन सत्या, हेलो फ्रेंड्स, इन्होंने आज मुझे ज्वाइन किया है यहाँ पे। और भाई ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई आज तो लेमन सोडा भी मंगवा लिया, तो इसको टेस्ट करते हैं भाई। तो भाई हम लोग बाहर ही बैठे हैं, थोड़ी सी नॉइस है यहाँ पे क्योंकि अभी मार्केट लग रही है, तो उसके लिए मजरत है अगर आपको थोड़ी डिस्टर्बेंस महसूस होगी। तो चिकन तंदूरी मोमोज है, इसको एक बार ट्राई करते हैं। अलग अलग तरह की इन्होंने डिप्स दी हैं, देखी स्टफिंग क्या फ्लेवर आया भाई, प्रॉपर तंदूर में इन्होंने लगाया होगा ना, तंदूरी चिकन का फ्लेवर जो होता है ना वो आया मुझे खा के। इंतहाई मज़ेदार और थोड़े स्पाइसी हैं और चटनी भी थोड़ी सी तीखी है और भाई उसी का मज़ा है। तो इनके स्टीम्ड मोमोज भी ट्राई कर लेते हैं। तो ये मैं इसके साथ ट्राई करता हूँ, मेयो के साथ। ये नॉर्मल स्टीम्ड मोमोज है, ऐसे चिकन मोमोज जो नॉर्मली रेडियां वगैरह लगती है ना उससे तो भाई अच्छे हैं, वैसे नॉर्मल है, पर भाई ये है पिक ऑफ द अमेजिंग, बहुत बढ़िया मोमोज ये वाले, काश मैंने 8 के 8 यही मंगवाए होते। ये गाइस आपके वेज स्टीम मोमोज हैं और इनका जो साइज़ है वो नॉर्मल मोमोज जो दिल्ली में मिलते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा है और हम इसको ट्राई करते हैं चटनी के साथ। ये इन्होंने दिया गार्लिक शेजवान सॉस, स्टफिंग काफ़ी अच्छी है इसकी और टेस्ट में भी काफ़ी बेटर है। और भाई ये वाले भी ट्राई करो, ये बड़े टेम्पटिंग लग रहे हैं, चलिए ये ट्राई करते हैं अपन। ये है आपकी मस्टर्ड सॉस है, ये अलग सी मस्टर्ड सॉस इन्होंने दी है, रेड ये रेड कलर की बनाई हुई मस्टर्ड सॉस है, इसे ट्राई करते हैं। और इस बार सावन चल रहे हैं ये इसीलिए भाई वेज खा रहा है, अदरवाइज नॉन वेज खा लेता है, और आज थर्सडे भी है। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी, वाह मज़ा आ गया इसको खाते हैं। आप भी एक ट्राई करो। मैं खाता हूँ, वेज भी खाता हूँ भाई। ये इनके वेज तंदूरी मोमोज, पहले मैं बता दूँ गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, आई एम स्वेटिंग और ऊपर से इतना स्पाइसी मोमोज खा रहे हैं हम, पसीनों पसीने हो गए हमारे। ये देखो भाई इसके, ये देखो स्टफिंग, और ये नहीं है कि स्टफिंग कम है, मतलब स्टफिंग भी अच्छी है।
भाई अच्छे हैं, वही चीज तंदूरी जो फ्लेवर आ रहा है ना, क्रिस्पीनेस और जूसी दोनों का फ्लेवर कॉम्बिनेशन अच्छा है। बट स्टिल भाई आई एम टेलिंग यू, आप नॉनवेज वाले मिस कर रहे हो, जब सावन खत्म हो जाएंगे ना आप ये वाले नॉनवेज खाने आना, ये मस्ट रहा है। तो इसमें साइज देखिए, नॉर्मल साइज से काफी बड़ा है साइज, स्टफिंग है, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, लुक एट दिस। कोई फालतू की इन्होंने मसाले वगैरह ऐड नहीं किए, बहुत ही बेसिक है सारा जो फ्लेवर है ना वो इसका बाहर का है। तो इसको फिनिश करते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कितने पीस जाते हैं? 6 पीस जाते हैं। टेस्ट करना कोई बात नहीं, ज्यादा धीरे हो गया ना, बड़े बड़े हैं ये सूजी के आपके। ये भैया हमारी बना रहे हैं जी दही पूड़ी, इसमें 6 पीस जाते हैं। ये देखो इसमें क्या क्या जाएगा भैया, चटनी फलेगी ये अनार मत डालना, ठीक है। ये हरी चटनी पुदीने और मिर्ची की होगी ना जी, मीठा वाला मीठी चटनी। ये किस चीज़ की होगी चटनी? हाँ चीनी। अच्छा और इसके ऊपर सेब भी डलता है? हाँ जी। मतलब ये एक बार खा लो तो पेट भर जाएगा। सही है यार। हाँ ये क्या है, चुकंदर? अदरक, अदरक और चुकंदर। ये हो गया था यार। तो अभी गाइस हम लोग हैं सेक्टर 29 में ब्रह्मपुत्र मार्केट में, JSB एवरग्रीन है हमारे पीछे और उनकी दही पूड़ी ट्राई करने वाले हैं हम, ठीक है। काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ पे, पापड़ी चाट, गोलगप्पे, भटूरे छोले, समोसे, बहुत कुछ है। और हमारे साथ में एक फैमिली बैठी है, लोग भटूरे चने खा रहे हैं। कैसे हैं इनके भटूरे चने? बहुत बढ़िया वन ऑफ द बेस्ट नोएडा के अंकल कह रहे हैं। तो बारी इनकी सेव पूड़ी ट्राई करते हैं, सॉरी दही पूड़ी, तो इनका भी एक बार जायका लेके देखते हैं कैसा है टेस्ट। चटपटा कम, थोड़ा कम है चटपटा, मसाला वगैरह जो है इनमें कम डाला हुआ है, वैसे टेस्ट बढ़िया। क्रिस्पी है पूरा गोलगप्पा, सेव डाली है ऊपर से, और ये चुकंदर और ये देखो इसके लच्छे वगैरह, फुली लोडेड है। और बाय गॉड मैं कह रहा हूँ इसको खा लिया ना जिसने, शाम तक 6 घंटे उसको भूख नहीं लगने वाली, इट्स सो हैवी एंड लोडेड। और मेरे साथ विपिन है वो सारी ख़त्म करेगा आज, मुझे पूरा 100% यकीन है। और मैं एक बाइट और फिनिश इसको खा के देखता हूँ कैसी है। भाई टेस्ट बहुत बढ़िया, पास खड़े होकर मैंने बनवाई है, काश मैं उनको कह रहा था कि इसमें थोड़े मसाले और डाल दो, चाट मसाला वगैरह थोड़ा कम है, वैसे टेस्ट अच्छा है। ब्रह्मपुत्र मार्केट आप कभी भी आएँ तो इनकी पापड़ी चाट, ये पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, ये सारी चीज़ें आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और अंकल जी ने बताया कि छोले भटूरे खाने मस्ट हैं, तो वो भी एक ऑप्शन अच्छी है आपके पास, ठीक है। तो ये था हमारा आज का ब्रह्मपुत्र मार्केट का सारा ब्लॉग, नोएडा सेक्टर 29। क्या क्या खाया भाई हमने?
तंदूरी मोमोज खाए, स्टीम मोमोज खाए, चिकन शॉर्मा भी खा लिया और फाइनली ये हमने दही पापड़ी भी खा ली। बहुत मज़ेदार टेस्ट है, इंतहाई मज़ेदार, और बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, और शॉपिंग की बहुत सारी ऑप्शंस है, हर तरह की चीज़ आपको मिल जाएगी, कपड़ा वगैरह और बहुत चीज़ें। हमने मतलब शॉपिंग की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया, खाने भी नहीं आए थे, खाना पीना हमारा हो गया पूरा, इसको फिनिश करेंगे और दिल्ली का देखते हैं और क्या क्या जायके हम ट्राई करेंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टेक केयर।